Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया बहुत बहुत आपकी तशरीफ आवरी का। मसले बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था टेलीविजन, तो मेरा ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी मिल गया है, लिफाफे मिले हैं, और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी लिफाफे मिल गए हैं, और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कंसर्न नज़र नहीं आता। आई डोंट नो व्हाट इज़ बिहाइंड इट, बट वी विल डिस्कस इट। सबसे पहले जी, खान साहब की बेगम साहब बुशरा बीबी के बारे में हमारे जो शकूक व शुभात थे, वो वक़्त गुजरने के साथ साथ हकीकत का रूप धारते जा रहे हैं कि उनको स्लो पॉइजनिंग की गई है। एक महीना हो गया और उनकी तबीयत नहीं संभल गई, और हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं बुशरा बीबी के बारे में कि जी उनका मेडिकल चेकअप कराया जाए और उनके ब्लड के सैंपल्स लेके, चूँकि यहाँ स्लो पॉइजनिंग जो है उसकी यहाँ ब्लड रिपोर्ट नहीं बन सकती है, वो दो या तीन ममालिक हैं दुनिया में जहाँ के वो बनती है, वो हमने डिमांड किया था कि उनको भेजे जाएँ। और उनको ये भी कहा था, हमारी पिटिशन भी पड़ी हुई है जो कि कोर्ट सुन भी नहीं रही है, कि जी उनको घर से निकाल के अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। और इसके साथ साथ हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि जी शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो उनका मुआयना करें। कोई भी एक भी जो हमारी डिमांड है जो कि नॉर्मल यू नो सर्कमस्टांसिस में भी जेल के जो लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उसके मुताबिक कबूल होते हैं या फिर अदालतें मानती हैं, लेकिन एक भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है, एक भी हमारी डिमांड जो है उसको अभी तक आज तक मीट नहीं किया गया। और उनकी तबीयत नहीं संभल रही, 5 हफ्ते तकरीबन हो गए उनकी तबीयत नहीं संभल रही। तो ये एक जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिमिनेट इमरान खान का जो है, ये मेरा ख्याल उसी की एक कड़ी है जो कि अब अनरेवल हो रही है, हमारे सामने आ रही है। और इसमें खान साहब को भी आपको याद होगा कि पहले उन्हें पॉलिटिकली न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की गई थी, मुंह की खाई थी इन्होंने, उसके बाद उनको फिज़िकली एलिमिनेट करने की कोशिश की गई थी, उसमें खुदा के अल्लाह मियाँ के करम से वो बचत हो गई। और उसके बाद जो थर्ड फेज़ इन्होंने लॉन्च किया था वो था कि इम्प्लिकेट किया जाए टेररिज्म के केसेस में, और 9 मई जो था वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। और हमारी बसा औकात हम हर दिन ये डिमांड अपनी जो रिन्यू करते हैं कि जी उसकी कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी करने के बगैर, उसके मजम्मरात जानने के बगैर, उनकी वजूहात जानने की बजाय बगैर जो है वो सज़ाएं जो हैं वो दी जा रही हैं। और हमारे आज भी हज़ारहा लोग हमारे जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, और उनकी कोर्ट्स में बहुत से लोगों को उनमें से बेल्स थी, लेकिन वो बेल्स जो हैं एक में अगर उनको छूट होती है तो उसी वक्त उनको अदालत के अहाते से ही गिरफ्तार कर लिया जाता है किसी और केस में। तो ये जुडिशल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट है जो कि वो एक प्रोजेक्ट जो था लंदन प्लान जिसको हम कहते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ये वो हो रही है। तो हमारे हम आप चाहता हूँ कि मैं अपनी फिर वो डिमांड्स जो हैं जितनी मैंने कही हैं उनको हम रीइट्रेट करना चाहते हैं कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है, सीरियस कंसर्न्स हैं, खान साहब को भी सीरियस कंसर्न्स हैं, हमें सबको पार्टी को सीरियस कंसर्न्स हैं, और हम रीट्रेट करते हैं कि उनके ब्लड सैंपल्स लेके स्लो पॉइजनिंग की के जो ब्लड सैंपल्स जहाँ भी ट्रीट होते हैं वो करवाए जाएँ, शौकत खानम के डॉक्टर्स जो हैं उनको इजाज़त दी जाए कि वो उनका मुआयना कर सकें, उनको बनीगला से मुंतकिल किया जाए अडियाला जेल में, उनकी पिटिशन लगाई जाए, सुनी जाए और उसके ऊपर फैसला सादर किया जाए, और उनको बाकी तमाम वो सहूलियात जो हैं वो फराहम की जाएँ जो कि उनका बहसीयत एक सिटीज़न ऑफ द कंट्री उनका राइट है। इसके बाद अगर नहीं होता तो फिर हम अगले इकदाम के ऊपर सोचेंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो आलिया हमज़ा और सनम जावेद साहबा को उन्हें बेल्स हुई उनकी, और उनको उन्होंने मियांवाली जेल में मुंतकिल कर दिया, उनको रीअरेस्ट करके मियांवाली जेल में मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान की तारीख में ख़वातीन के साथ इस किस्म का बेईमाना सलूक आज तक कभी नहीं हुआ। ये जो लोग इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि ये अपने आप को एक जमहूरी हुकूमत कहते हैं। दे आर वर्स दैन द वर्स्ट ऑटोक्रेसी, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है। इनको शर्म नहीं आती मगर कि ये औरतों के साथ क्या सलूक इन्होंने रवा रखा हुआ है। आप लोगों के सामने भी है, मैं नहीं देखता कि मीडिया के ऊपर इस किस्म की प्रोजेक्शंस हो रही हैं, इस किस्म के केसेस के बारे में लिखा जा रहा है। शाम को मैं भी टीवी के ऊपर बैठता हूँ तो वही जो किस्से पटे सब्जेक्ट्स हैं वही लेके बैठ जाते हैं, कोई ये नहीं सोच रहा कि हो क्या रहा है इसको।
क्या किया जा रहा है मुल्क के आवाम के साथ। बुशा बीबी के बारे में वंस अगेन यू नो मैं सब अपनी डिमांड्स को रिट्रेट करता हूँ, और हम मेरा ख्याल है कि एक पिटिशन और लेके अनकरीब हम कोर्ट में जाएंगे, जिस जो कि हमारी जो डिमांड्स हैं उनको फैसिलिटेट करने की तरफ एक और कदम होगा। इसके अलावा जो जजेस का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने जो लेटर लिखा है वो आज उसके ऊपर पहली हेयरिंग हुई है, और मैंने कुछ वक्त मेरे पास था, मैंने बैठ के देखा है, तो वो उस तमाम में तकरीबन कोई सवा घंटा मैंने देखा है। सवा घंटे में सिर्फ एक बात खुल के सामने आई है कि चीफ जस्टिस साहब सिर्फ और सिर्फ अपनी जस्टिफिकेशन तलाश कर रहे हैं, रादर देन के केस के बारे में बात करें, रादर देन उन जजेस के लेटर के कंटेंट के बारे में बात करें, वो अपना जो केस है अपनी जस्टिफिकेशन को तलाश कर रहे हैं। और वो जस्टिफिकेशन उनको क्यों तलाश करनी पड़ रही है? वो जस्टिफिकेशन इसलिए तलाश करनी पड़ रही है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर कोशिश की गई थी कि इस मामले को बस रग के नीचे डाल के भूल जाए। चीफ जस्टिस का क्या काम था कि वो एग्जीक्यूटिव को मिले? एग्जीक्यूटिव जो कि इसमें इंप्लिकेटेड है, लेटर में जो चीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर हैं उसमें एग्जीक्यूटिव इंप्लिकेटेड है, नाम लिया गया एग्जीक्यूटिव का, तो एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था? मेरा सवाल है चीफ जस्टिस साहब से कि बताइए कि एग्जीक्यूटिव को कंसल्ट करने का क्या लॉजिक था, जबकि लेटर जो था वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एड्रेस किया गया था। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का काम था कि वो इस मामले को आगे बढ़ाता, और चीफ जस्टिस साहब ने कोशिश की कि ये मामला जो है एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे दें। आज वो ये तावीलें तलाश कर रहे थे कि क्यों हमें प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करनी पड़ी। हमारी अप्रेजल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब से बात तो करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करके आपने केस को ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है, आपने अपने कॉन्डक्ट को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया। तो ये मामला जो आगे बढ़ेगा आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, लेकिन जो कोशिश की जा रही है जो सामने आ रहा है बिल्कुल वो यही है कि इस मामले को दबा दिया जाए। और उसके बाद कल शाम को जब इतला आई थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को 8 के 8 जजेस को इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस उनको कोई एक लिफाफे मिले थे जिनमें एंट्राक्स वगैरह का कोई उस वक्त कोई ये था कि उसमें कोई ऐसी पाउडर भी है। आज पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को और 4 जजेस लाहौर हाई कोर्ट को उनको भी ऐसे लिफाफे मिले हैं। तो इस वक्त हुकूमत का सारा जो काम है वो एक रेशमा की तलाश है, वो रेशमा की तलाश कर रहे हैं और हुकूमत को रेशमा नहीं मिल रही जिसने ये लिफाफे अंडरस्टैंडेबली भेजे हैं, क्योंकि रेशमा इनके अपनी किसी सेफ जगह बैठी होगी। ये सारा जो किया धरा है वो मेरा ख्याल है कि हुकूमत का अपना किया धरा है। ये इस वक्त चाह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट को भी अंडर प्रेशर करें, बाकी हार्ड कोर्ट्स को भी अंडर प्रेशर करें, ताकि जो ये गंद कर रहे हैं सारे मुल्क में, जिस तरीके से इन्होंने मुल्क को एक तबाही के धाने के ऊपर खड़ा कर दिया है, उसकी बात कोई ना करे। जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है भाई, तो हमें आज मैं बैठा देख रहा था कुछ उनके साहिबान बैठे हुए तकरीरें फरमा रहे थे और इल्ज़ाम पीटीआई के ऊपर लगा रहे थे, हमारी सोशल मीडिया टीम के ऊपर लगा रहे थे, तो भाई हम तो गिल्टी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अटैक करने का, वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के गुंडों ने की थी। हम तो उस टेलीफोन कॉल के रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो जस्टिस कयूम और शहबाज शरीफ के दरमियान हुई थी, वो हमारे किसी लीडर ने तो नहीं की थी। हमारे बारिश बुजुर्ग जो थे, बड़े लोग जो थे, वो पैसों का बैग लेके जहाज में नहीं चढ़े थे बलूचिस्तान की हाईकोर्ट को खरीदने के लिए, और जो खरीदा गया था उनके ग्रैंडसन जो है आप बैठ के यहाँ बड़े वास देते हैं, लेक्चर देते हैं। तो ये हम गिल्टी नहीं है, इनको चाहिए कि शीशे में अपनी शक्ल देखें, बड़ी बदनुमाश शक्ल है इन लोगों की। इनका रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान की गवर्नेंस में, वो अगर इनको जरा सी भी इनके अंदर जमीर नाम की कोई चीज़ जिंदा हो तो इनको शर्म आनी चाहिए अपना चेहरा देख के। I'm sorry, I'm using some strong words, you know, but I think it's time that we use these strong words because इनको otherwise समझ नहीं आ रही है बिल्कुल। और जजेस के ऊपर जो प्रेशर है उसका एक और कल हमें सबूत मिला है कि खान साहब ने मीडिया से आप लोगों से बात करते हुए अडाला जेल में उन्होंने कहा है कि जो जज जो है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.